हे गाइस, तो रिसेंटली अगर आपने बिग बिलियन डे सेल में S21 FE 5G बाय किया है एंड अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो S21 FE 5G, तो काफी सारे लोगों के मन में ये कंसर्न है कि बैटरी बैकअप इसका कैसा है। तो मॉडरेट यूज में तो अच्छा है, लेकिन इसे आप और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। बस आप लोगों को कुछ सेटिंग्स कर लेना है अपने फ़ोन में। तो क्या है वो सेटिंग्स, इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो एक एक करके मैं प्रोसेस बताते हुए जाऊँगा एंड सेम इसी तरह से आप इन प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले आप लोग आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, देन लॉक स्क्रीन एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इस वाले ऑप्शन को अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपको ये महसूस होगा कि आपके फ़ोन में जो बैटरी बैकअप पहले कैसा था एंड अभी कैसा हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा जंप आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप में देखने को मिलेगा बस ये सेटिंग करने पर। बाकी और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स है जो अगर आपने कर दी तो बैटरी बैकअप आपका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट काम जो आप लोगों को करना है, आपके फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर आना है एंड डार्क मोड को चूज कर देना है। डिफॉल्टली आपके फ़ोन में लाइट मोड होगा, तो डार्क मोड को एनेबल करने के बाद बैटरी बैकअप यहां से भी आप इंक्रीज कर सकते हो। नाउ यहां पे आप एक और काम कर सकते हो, सिंपली आपकी फ़ोन का जो हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 120Hz, इसे आप सिंपली नॉर्मल से स्टैंडर्ड में कर सकते हो। लेकिन ये आप तभी करो अगर आप एक 60Hz का फ़ोन इससे पहले यूज़ कर चुके हो। तो अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड चूज़ करोगे तो आपको चेंज फ़र्क नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हो एंड अगर आपने यहाँ पे इस स्टैंडर्ड पे कर दी तो आपको ये महसूस होगा, तो इस केस में आप हाई रहने दो। नाउ यहाँ पे आपको एक और सेटिंग कर लेना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे स्क्रीन सेवर दिखेगा तो ये नॉन पे सेट होगा एंड इसे नॉन ही रहने दो। नाउ जो नेक्स्ट सेटिंग आप लोगों को करना है, सिंपली फोन की सेटिंग्स के अंदर आने के बाद कनेक्शन, फिर वाईफाई, यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद एडवांस एंड ये अगर आपका ऑन है सिंक विद सैमसंग क्लाउड तो इस वाले ऑप्शन को आप सिंपली ऑफ कर दो। सेम उसी तरह से आपको ब्लूटूथ के अंदर आना है, 3 डॉट्स पे टैप करना है, एडवांस के ऊपर आना है एंड यहाँ पे सिंक विद सैमसंग क्लाउड इस वाले ऑप्शन को आप ऑफ कर दो। नाउ यहाँ से आपको बैक कर लेना है, सेटिंग्स में आ जाना है, देन नोटिफिकेशन एंड नीचे आपको दिखेगा एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे टैप करने के बाद एकदम नीचे आपको फिर वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट दिखेगा, ये आपका डिफॉल्ट ऑन होगा तो इसे भी आप ऑफ कर दो। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ से बैक करना है एंड एकदम सेटिंग्स में आ जाना है, देन यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, आपने जो भी पिन पैटर्न दिया होगा उसे आप एंटर करो एंड यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन, इस वाले ऑप्शन को भी आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी नया नया फ़ोन बाय किए हो तो इस वाले ऑप्शन को आप रहने दो ताकि आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाए कि फिंगरप्रिंट एक्चुअली किस पोजीशन पे है। अगर आप कुछ दिन यूज़ करने के बाद यूज टू हो गए तो देन आप इस वाले ऑप्शन को भी ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपने फ़ोन में जो बैटरी है उसे सेव कर सकते हो। नाउ इसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है, देन प्राइवेसी के अंदर आना है, अगर आपका सैंड डायग्नोस्टिक डाटा एनेबल है तो इस वाले ऑप्शन को भी आप ऑफ कर दो। नाउ यहाँ पे आपको जो लास्ट काम कर लेना है, एकदम फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है, देन यहाँ पे डिस्प्ले, देन स्क्रीन मोड एंड ये आपको बाय डिफॉल्ट विविड देखने को मिलेगा, इसे आप सिंपली न्यूट्रल पे सेट कर दो। तो ये कुछ सेटिंग्स अगर आपने कर दी तो आप ये महसूस कर पाओगे कि हाँ आपके फ़ोन में जो बैटरी बैकअप है वो पहले कैसा था एंड अभी आपको कैसा देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सैमसंग S20 FE 5G के रिगार्डिंग और कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।